नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में अखिलेश यादव की भूमिका। अखिलेश यादव ममता समेत केजरीवाल भी हुए सहमत। उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से की फोन पर बात। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। इंडिया ब्लॉक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत एनसीपी पवार गुट के प्रमुख शरद यादव आदि नेता सहमत दिख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर अखिलेश यादव ने कड़ी मेहनत की और इस कड़ी मेहनत में अखिलेश यादव ने करीब 15 मिनट तक राहुल गांधी से भी फोन पर बात की थी। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार आदि नेता अब सहमत दिख रहे हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर भी बात की। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के अनुभव को देखते हुए ये सभी नेता उनको संयोजक बनाए जाने को लेकर एकमत हो गए। कुछ और दलों से बातचीत भी की जा रही है। जैसे ही सबकी सहमति बन जाती है तो नीतीश कुमार को संयोजक का पद ऑफर किया जा सकता है। इस तरह आने वाले दिन इंडिया गठबंधन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू यादव से फोन पर भी बात की। पहले बताया जा रहा था कि इसी दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बातचीत होगी, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इस दौरान नीतीश कुमार को संयोजक पद को लेकर भी चर्चाएं होगी। बता दें, नीतीश कुमार शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन के लिए प्रयासरत हैं और उनके प्रयासों का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन का बैनर बन पाया है। नीतीश कुमार की पहल के बाद ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेता एक मंच पर आकर कांग्रेस के साथ बातचीत करने को तैयार हुए थे। इन सब का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की शुरू से ही ये मांग थी कि नीतीश कुमार को या तो पीएम पद का चेहरा घोषित किया जाए या फिर इंडिया गठबंधन का संयोजक नियुक्त किया जाए। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि इस बार उनके नाम की लॉटरी निकल जाएगी, लेकिन बैठक खत्म होने से पहले वे निकल गए और पटना लौट आए। पटना आने के बाद नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली और उसके बाद से ललन सिंह के पर कतई जाने की खबरें आने लगी। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्षी छोड़ दी और उसके बाद नीतीश कुमार ने अध्यक्षी संभाल ली। उसके बाद से नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। तभी से इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लगा कि नीतीश कुमार को संयोजक का पद सौंपना जरूरी है, नहीं तो बीच मझधार में अगर वे भाजपा के साथ हो गए तो पूरा खेल बनने से पहले बिगड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक पद पर बिठाने के लिए अखिलेश यादव ने कड़ी मेहनत की और इसके लिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से लगातार संपर्क में रहे और राहुल गांधी को भरोसा दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को जिताना है तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाना होगा। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।